हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक न्यू पिका कार्ड रीडिंग के साथ। आज का जो टॉपिक है वो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए। काफ़ी टाइम हो गया था करंट फीलिंग्स पर मैंने रीडिंग नहीं की थी, और तो सोचा मैंने आज मैं इस टॉपिक पर रीडिंग कर दूँ आप सभी के लिए। तो आज पिका कार्ड रीडिंग हो रही है, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, कैसा फील कर रहे हैं, सारी बातें पता करेंगे, ठीक है, इस रीडिंग के थ्रू। अगर आपके मन में, आपके माइंड में कोई भी पार्टनर है जिनसे आपको अटैचमेंट है और आपको पता करना है उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, तो ये रीडिंग आपके लिए है। फिर चाहे आप मैरिड हैं, आप सिंगल हैं, डजेंट मैटर, ये रीडिंग सबके लिए है, ठीक है। जिन्हों के भी दिल में, दिमाग में पार्टनर हैं और वो चाहते हैं कि फिर चाहे वो आपके क्रश भी हो, ठीक है, क्रश के लिए भी ये रीडिंग अप्लाई होगी। और डेफिनेटली जो भी पार्टनर है आपके दिल में, दिमाग में, अगर आपको जानना है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है, इवन अगर आप किसी फ्रेंड के लिए भी पूछ रहे हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, अब मुझे आप कमेंट में मत बताना कि ये रीडिंग किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, ठीक है, मैंने बता दिया। अगर आपके दिल में, दिमाग में कोई भी पार्टनर है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है, फिर चाहे वो आपके क्रश है, आपके एक्स हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके वाइफ हैं, जो भी हैं, ठीक है, ये रीडिंग आपके लिए है। मैंने यहाँ पर दो ग्रुप बनाए हुए हैं। ग्रुप नंबर वन के लिए मैंने यहाँ पर ये सिक्स ऑफ मेमोरीज ऑफ लव, ये मैंने रखा हुआ है कार्ड, नंबर सिक्स है इस पर, ठीक है। तो मेमोरीज ऑफ लव फॉर पाइल नंबर वन, अगर आप इस कार्ड से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप ये वाला कार्ड पाइल नंबर वन को सिलेक्ट कर सकते हैं। देख लें कार्ड को आप अच्छे से। एंड पाइल नंबर टू के लिए मैंने यहाँ पर लव बिगेन्स नंबर वन कार्ड रखा हुआ है। तो अगर आप इस वाले कार्ड से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप पाइल नंबर टू को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। लव बिगेन्स फॉर पाइल नंबर टू, देख लें आप कार्ड को अच्छे से। बहुत ही सोच समझ कर ध्यान से एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए। प्रॉब्लम हो रही है सिलेक्ट करने में, थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर लें, देन आप एक पाइल सिलेक्ट करें अपने पार्टनर के बारे में सोच कर, ठीक है, अच्छे तरीके से रिलैक्स होकर एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जनरल है ये रीडिंग, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करती तो आप मत देखना, लेकिन अगर करे तो कमेंट सेक्शन में बता देना। टाइमलेस है ये रीडिंग, आप जब भी देखेंगे आपको हेल्प करेगी। मैं रीडिंग के एंड में चार्म रीडिंग भी करूंगी, ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया चार्म रीडिंग नहीं करी है मैंने, तो आज मैं करूंगी, ठीक है। आई होप कि आपने अब तक एक पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग, स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन नंबर वन, हेलो एवरीबॉडी, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर वन सेलेक्ट करा है, पाइल नंबर वन को सिलेक्ट करा है, मेमोरीज ऑफ लव, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, ठीक है। फिर चाहे आप कांटेक्ट में हैं, आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, जो भी कंडीशन है, हम यहाँ पता लगाएंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर करना गाइज, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो हो सकता है थोड़ी सी नॉइज़ आए, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। ओके, वी हैव यिंग एंड यांग, वाओ। तो डेफिनेटली अगर आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट करा है मेमोरीज ऑफ लव, डेफिनेटली आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप सोलमेट हो सकते हैं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट और ट्विन फ्लेम, ऐसा मैंने देखा यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट कार्ड ने मुझे यहाँ पर बता दिया सब कुछ, कैसा कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। It is not a easy connection, but definitely it's true connection. Yin and Yang. एक कार्ड और लेते हैं। ओके, बाउंड्रीज। ये दो कार्ड मुझे बता रहे हैं कि आपका काफी सॉलिड कनेक्शन है, बहुत ही एक स्ट्रांग कनेक्शन है, ठीक है। बाउंड्रीज, तो हो सकता है आपने अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज बना ली है, या फिर इस पार्टनर ने भी बना ली है, ठीक है। जो भी इनके अराउंड नेगेटिविटी है उसको ये पार्टनर हटाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मून है, तो हो सकता है अभी भी ये पार्टनर खुलकर सामने नहीं आ रहे आपके, अभी भी थोड़ा बहुत डिसेप्शन है, आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ कौन सा कनेक्शन है,
यिंग एंड यांग, आप तो इनफ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, डेफिनेटली इस पार्टनर को अब रियलाइज हो रहा है, ठीक है, और ये अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज बना रहे हैं ताकि ये रियलाइज कर सकें, अकेले में अपने आप को टाइम दे पाएँ और रियलाइज कर सकें कि आपके साथ किस कनेक्शन में हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी इन्होंने आपके साथ कांटेक्ट नहीं करा है, मैं देख रही हूँ यहाँ पर कांटेक्ट नहीं है आप दोनों के बीच में, और अगर कांटेक्ट है भी तो इस पार्टनर में डिसेप्शन बहुत ज़्यादा है, ये पार्टनर खुल के नहीं बता रहे आपको कुछ भी अभी, ठीक है। लेकिन यस, ये पार्टनर अपने इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं इस टाइम, अपने इंट्यूशंस को सुन रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं कि आपके साथ कनेक्शन क्या है, क्यों ये पार्टनर आपको आज तक भी भूल नहीं पा रहे हैं, इस पार्टनर के माइंड में ऐसी बातें हैं इस टाइम, ठीक है। चलिए देखते हैं, टैरोट से देखते हैं अब क्या आता है आपके लिए। वेट अ मिनट गाइस, एक कार्ड को मैं जरा एडजस्ट कर लूँ। ओके, अब टैरोट से देखते हैं क्या है आपके लिए, यहाँ से क्या आता है आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। क्या फीलिंग्स है, क्या सिचुएशन है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है, करंट फीलिंग्स। ओके, फाइव ऑफ वैंड्स, तो एरीज लियो सैज हो सकते हैं आप ही आपके पार्टनर। गाइज, बी पॉजिटिव रीडिंग में जो भी आता है अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो आप एक्सेप्ट करें, स्टक ना हो, ठीक है। एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ वैंड्स, तो कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस भी हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। मैजिशियन, ओके, मैजिशियन, जेमिनाई, ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी स्पेशल है यहाँ। ओके, वी हैव टू कार्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड द एट ऑफ सोर्ड्स। चलिए वाला कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स, बॉटम द डेक वी हैव टेम्परेंस। चलिए, तो एयर साइन हो सकते हैं आप, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस काफी स्ट्रांग है यहाँ पर, एरीज लियो सैज भी है और यहाँ पर कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस भी है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये पार्टनर डेफिनेटली खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं, काफ़ी कनेक्शन को फील कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप देखिए सेम जेंडर सेक्स भी हो सकते हैं या फिर यस, ये चैनल सभी के लिए है, ठीक है, सबके लिए नहीं है, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये चैनल सबके लिए है, ठीक है। यस, तो आपके जो पार्टनर है डेफिनेटली यहाँ पर जो बाउंड्रीज कार्ड आया था ये वाला, वेट अ सेकंड गाइस, यस, ये जो बाउंड्रीज कार्ड आया था ये डेफिनेटली हेल्दी बाउंड्रीज बना रहे हैं, खुद को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस पार्टनर के अराउंड इस टाइम बहुत ज़्यादा, देखिए पहली बात तो टावर मूवमेंट्स भी आ रहे हैं इनकी लाइफ में, हो सकता है इनकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, या जिसके भी साथ ये पार्टनर डील कर रहे थे, अगर ये पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच में स्टक थे तो उनके साथ काफ़ी लड़ाई झगड़े, काफ़ी मुश्किलें पैदा हो रही है, ठीक है। बहुत मैं देख रही हूँ, देखिए यहाँ पर तीन ऐसे कार्ड आए हैं जो कि मुझे बता रहे हैं, देखिए ट्रिपल फाइव आ गया यहाँ पे, 555, 555, तो हो सकता है एंजल नंबर 555 भी आप देख रहे होंगे। इसका मतलब है कि आपके पार्टनर, देखिए काफ़ी लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं इनके, जो भी अराउंड इनके पीपल हैं उनके साथ, इनके
झगड़े हो रहे हैं, काफ़ी लड़ाइयाँ बढ़ रही है, काफ़ी नेगेटिव एनर्जी इनके पास आ रही है और ये पार्टनर हो सकता है इस टाइम फाइनेंस में भी काफ़ी अप्स एंड डाउन फेस कर रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटस भी इनका भी कुछ ठीक नहीं है और ये पार्टनर खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि फाइनेंस में काफ़ी गिरावट आ गई है, काफ़ी चैलेंजेस आ गए हैं, हार्डशिप आ गई है, काफ़ी अप्स एंड डाउन या अपने फाइनेंस में फेस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ये पार्टनर अपने वर्क में। ठीक है, और इनके साथ काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी मैं देख रही हूँ। देखिए, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है कि फ्रेंड्स के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या फिर फैमिली के साथ, और मैं यहाँ पर 100% श्योर हूँ ये पार्टनर किसी और के साथ डील कर रहे थे और उनके साथ इनके लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, कार्ड्स मुझे बता रहे हैं ऐसा, और ये पार्टनर खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं ताकि ये इन नेगेटिव पीपल से दूर हो पाए। ठीक है, क्योंकि इनको आपके साथ जो कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इस पार्टनर को ये कनेक्शन रियलाइज़ हो रहा है और ये पार्टनर इस टाइम हेल्दी बाउंड्रीज बना रहे हैं ताकि आपके साथ ये कनेक्शन फील कर सके। इनको समझ आ रहा है कौन इनका है, कौन इनका नहीं है, कौन इनके लिए बेस्ट है, कौन इनके लिए बना है, इनको क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है, और आप भी इनके साथ काफ़ी स्ट्रांग कनेक्शन फील करते हैं, इसीलिए आप इस पार्टनर को भूल नहीं पा रहे हैं, फिर कंडीशन चाहे जो भी है। ठीक है, मैं यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि यहाँ पर थर्ड पार्टी है। ठीक है, और ये काफ़ी इस टाइम खुद को बंधा हुआ भी काफ़ी फील कर रहे हैं। देखिए, कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, कोई और पर्सन है जो इनको भड़का रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई और पर्सन है जो बहुत क्लेवर है और इनको काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, ये उनके साथ डील कर रहे थे लेकिन अब इनको क्लियर हो रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लेवर है और इनके लिए ठीक नहीं है, तो ये अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज बना रहे हैं ताकि इस टाइप के पीपल इनके पास ना आए। ठीक है, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। काफ़ी स्ट्रगल में तो हैं ये पार्टनर और इस पार्टनर को बहुत रिग्रेट भी है आपको छोड़ने का, आपको धोखा देने का। ठीक है, काफ़ी रिग्रेट है इस पर्सन को और ये पर्सन खुश नहीं है और ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, एट ऑफ कप्स। ठीक है, बिल्कुल भी खुश नहीं है ये पार्टनर। लेकिन गाइज, यहाँ पर एक्शन का कोई कार्ड आया नहीं है कि ये पार्टनर आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, एक्शन का कोई कार्ड नहीं है, लेकिन यस, ये पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ इस कनेक्शन को। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये पार्टनर लव फील कर रहे हैं और इस पार्टनर को इस टाइम बहुत पछतावा हो रहा है कि इसने क्यों आपका साथ छोड़ा। ठीक है, अपने आप को काफ़ी बंधा हुआ स्टक फील कर रहे हैं, कैसे करूं, क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे एक्शन लूं। इस पार्टनर को अभी समझ नहीं आ रही, इसीलिए यहाँ पर एक्शन का कार्ड नहीं आया। इस पार्टनर को समझ नहीं आ रही है क्योंकि ये इस टाइम बंधे हुए हैं, ट्रैप्ड है। ठीक है, इसीलिए ये पार्टनर एक्शन का कार्ड इसीलिए यहाँ पर नहीं आया क्योंकि इस पार्टनर के अराउंड काफ़ी नेगेटिव पीपल है। इस पार्टनर को आपको लेकर काफ़ी इमोशनल फीलिंग्स हैं, आपके लिए प्यार है, लेकिन ये पार्टनर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी काफ़ी उलझनों में हैं, प्रॉब्लम में हैं। फाइनली पर एक गुड न्यूज़ यहाँ पर ये है कि इस पार्टनर को आपके साथ कनेक्शन के बारे में रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ कनेक्शन क्या है। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर आई है। चलिए देखते हैं एनर्जी और एकल से क्या आता है आपके लिए, यहां से देखते हैं। वाओ, वी हैव एंजल ऑफ लव। वाओ, आपके साथ गाइस एंजल ऑफ लव है जो कि आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको हिम्मत दे रहे हैं कि आप अपने प्यार पर, अपने कनेक्शन पर बिलीव करें। और इस पार्टनर को भी अब रियलाइज होता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो इजी नहीं है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, डेफिनेटली ये पार्टनर अपना दिल सिर्फ आपको ही देंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको। वाओ, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं। डेफिनेटली ये पार्टनर बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा। हीलर ऑफ द एजेस, डेफिनेटली खुद को हील कर रहे हैं, खुद को बैलेंस में लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं देख रही हूँ अपना हार्ट चाक्रा, अपना क्राउन चाक्रा ओपन कर रहे हैं ये पार्टनर, इतनी इनफ स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में ये जो टावर मूवमेंट्स आए हैं और जो इतने सारे जो ये जो नेगेटिव कार्ड्स आए थे, ये फाइव ऑफ वैंड्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स, ये इसीलिए आए हैं क्योंकि ये अपनी हीलिंग प्रोसेस पर हैं। ठीक है, हीलिंग प्रोसेस में काफ़ी चैलेंजेस आते हैं और तभी तो इंसान खुद को हील करता है जब उसके पास प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, अगर वो खुश है, अच्छा है, तो फिर वो खुद को हील क्यों करेगा, है ना। काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं आपके साथ
कनेक्शन को फील कर रहे हैं और इसीलिए ये खुद को हील भी कर रहे हैं। बहुत परेशान है अभी ये पार्टनर, लेकिन इस पार्टनर को रियलाइज हो गया है कि इसको इसका जो कनेक्शन है, अगर इसके कोई अदर हाफ हैं तो वो सिर्फ आप हैं और ये अपना दिल सिर्फ और सिर्फ आपको देंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको। इस पार्टनर को इस बात का रियलाइज हो गया है। और देखते हैं गाइस क्या आता है आपके लिए। ये पार्टनर आपसे प्यार करते हैं पर किसी कभी भी नहीं बताया, इस पार्टनर ने आपको खुल के नहीं बताया कभी भी। आपको एडमायर करता है ये पर्सन, लेकिन इसने बताया नहीं कभी। आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं ये पर्सन। चैलेंजेस हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ, इसी वजह से नहीं बता पाए ये पर्सन आपको, और आपने भी इनको कभी खुलकर नहीं बताया। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, डेफिनेटली आप दोनों हीलिंग प्रोसेस पर हैं और आपको पता है। एंड बॉटम द डेक से आया डोर टू स्पिरिट, और देखिए एक्शन का कार्ड भी आया है। डेफिनेटली वाओ, बैक टू बैक बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं गाइस, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, डेफिनेटली देखिए यहाँ पर आपको अबंडेंस मिलेगी। ये पार्टनर रियलाइज कर रहे हैं आपका कनेक्शन ईजी नहीं है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन को ईजी नहीं होता, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो, तो डेफिनेटली चैलेंजेस आपने पहले फेस कर लिए हैं, आप बहुत हद तक हील हो गए हैं। अब आपके पार्टनर की बारी है, ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, और डेफिनेटली ये पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, आएंगे ये पार्टनर। ये पार्टनर एक्शन लेंगे, ठीक है। ये पार्टनर खुद को हील कर रहे हैं, स्पिरिट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और जैसे ही इस पार्टनर की हीलिंग डन हो जाएगी, देखिए इसके बाद ही ये कार्ड था, ये पार्टनर एक्शन लेंगे, ठीक है। ये पार्टनर एक्शन लेंगे और बहुत स्पीड में आएंगे आपके पास। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, क्योंकि इस पार्टनर को चैन, शांति, खुशियाँ सब आपके साथ ही फील होती है। दूसरों के साथ तो इसके झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, और इसको बहुत ज़्यादा समझ में आ चुका है कि दूसरे इसके पास क्यों आए थे, ठीक है। काफ़ी लालची क्लेवर लोग थे वो जो इनों के पास आए थे, और ये अब उनसे काफ़ी हद तक दूर हो रहे हैं, बाउंड्रीज बना रहे हैं और आपके साथ कनेक्शन को फील कर रहे हैं, खुद को हील करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यस ये पार्टनर आएंगे आपके लाइफ में, ओके। चलिए अब जल्दी से मैसेज देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज मिलेगा आपको। ही लव्स यू अ लॉट। चलिए देखते हैं मैसेजेस, बहुत सारे मैसेजेस हैं आपके लिए। यू मेक मी फील अलाइव, तो आप इनको अलाइव फील कराते हैं, ये कह रहे हैं आपसे। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस, तो आप इनको एक प्रिंसेस और प्रिंस की तरह ट्रीट करते हैं। यू रिस्पेक्ट एवरीथिंग आई लाइक, तो इनको जो भी पसंद है आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। यू मेक मी अ बेटर पर्सन, आप इनको एक बेटर पर्सन बनाते हैं। यू मेक मी फील दैट आई एम वर्थ समथिंग, आप इनको ऐसा फील कराते हैं कि ये वर्थी हैं। यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल, आपको स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल भी कह रहे हैं। यू रिस्पेक्ट माई फैमिली, तो आप इनकी फैमिली की भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और ये बात इस पार्टनर को बहुत पसंद है। यू लुक डीप इन टू माई आईज, तो आप इनकी आईज में बहुत डीप देखते हैं, बहुत गहराई से। यू कैन रीड माई माइंड, तो हो सकता है आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है और आप इनका माइंड रीड कर पाते हैं, ये सब कह रहे हैं ये पार्टनर आपको। चलिए अब आपके लिए चार्म रीडिंग करते हैं। मैंने कहा था कि मैं रीडिंग के एंड में चार्म रीडिंग करूँगी आपके लिए, देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या आता है। That's fine. Okay. चलिए देखते हैं, कुछ और भी लेना है मुझे आपके लिए, देखते हैं और क्या आता है। Okay. तो हमारे पास आया है ये वाला सिंबल, तो हो सकता है आपके पार्टनर रिच हैं या फिर कुछ बिग अथॉरिटी है इनके पास, ठीक है। इनके फादर पॉलिटिशियन हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अबंडेंट है ये पर्सन, लेकिन अभी ये पार्टनर ट्रैप्ड है, ठीक है, इस केस के अंदर, ठीक है। बंधा हुआ फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, इसीलिए एक्शन नहीं ले पा रहे, लेकिन आफ्टर हीलिंग डेफिनेटली ये एक्शन लेंगे, ठीक है। फिर से हमारे पास गन आ गया है यहाँ पर, तो हो सकता है कि पुलिस में हो, आर्मी में हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है।
स्टैचू ऑफ लिबर्टी आया, तो हो सकता है यूएसए में है ये पार्टनर, या फिर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, ऐसा भी हो सकता है। हमारे पास ये गिटार आया, तो हो सकता है म्यूजिक लवर है आपके पार्टनर, या फिर इनको गिटार पसंद है, इनको गिटार प्ले करने का शौक है, या फिर इनके पास खुद का भी गिटार हो सकता है। हमारे पास ये वर्ड आया है, तो डेफिनेटली आपको ये पार्टनर चाहते हैं कि मैसेज करें, और हो सकता है टेलीपैथी आप कनेक्ट हैं। अगेन हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट आया है, तो हो सकता है कि आप दोनों को ही म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, आप म्यूजिक सुनकर हील होते हैं। हमारे पास ये रोज़ आया, तो डेफिनेटली ये पार्टनर आपको बहुत ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, स्मार्ट, प्रैक्टिकल, काइंड, बहुत अच्छा मानते हैं। अगेन ये सिंबल आया, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अथॉरिटी है इस पर्सन के पास, या फिर ये कहीं बाहर अब्रॉड में जॉब करते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये पार्टनर के फादर पॉलिटिशियंस हों या आर्मी वगैरह में हों। ठीक है, हमारे पास ये ब्रोकन हार्ट आया है, जिस पर लिखा है आई लव, इस पर लिखा है आई लव, आई लव। इनका दिल बहुत टूटा हुआ है। और यहाँ पर सैजिटेरियस आया, तो हो सकता है सैजिटेरियस हैं आप, ऑप्टिमिस्टिक हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने कनेक्शन के लिए। ठीक है, तो सन मून वीनस राइजिंग कहीं पर सैजिटेरियस हो सकता है आपके चार्ट में। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अभी के लिए बस इतना ही, बाय, टेक केयर। हेलो एवरीबॉडी, जिन्होंने भी चूज़ किया है लव बिगेन्स नंबर वन, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं और कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, पता करते हैं रीडिंग के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ट्रू लव ओरेकल डेक से पता करूंगी आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, क्या फीलिंग्स हैं, करंट फीलिंग्स। ओके, वी हैव वन कार्ड, वी हैव बाउंड्रीज। ओके, ओके, सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी, ओके। मुझे लगता है कि इस पार्टनर ने आपके साथ काफ़ी बाउंड्रीज बना ली है, और ये जो पार्टनर है ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, खुलकर आपके सामने नहीं आ रहे हैं, आपके किसी भी कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। हो सकता है इस पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, और ये पार्टनर इस टाइम आपसे कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, बाउंड्रीज बना ली है इस पार्टनर ने। और लेकिन ये पार्टनर अकेले में मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, खुद को हील करने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्टनर उलझनों में हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, इस कार्ड से मैं वाइब गेट कर रही हूँ। उलझनों में हैं, काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्लैरिटी पाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पार्टनर ने सब कुछ अपने नसीब पर छोड़ा हुआ है। ठीक है, ये पार्टनर चाहते हैं कि ये टाइम के साथ आगे बढ़े, और जो इनके नसीब में लिखा है इनको मिल जाएगा, इस तरह की थिंकिंग है इस पार्टनर की। ठीक है, और डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही है आपके कनेक्शन में, और इस पार्टनर को बिल्कुल ये सरेंडिपिटी मींस नसीब पर छोड़ा हुआ है इस पार्टनर ने सब कुछ, जो किस्मत में होगा वो मिलेगा, इस तरह की थिंकिंग मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की। चलिए टैरोट से देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स। फिलहाल तो ये पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और आपके किसी भी कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, और ये पार्टनर ने आपके साथ भी और दूसरों के साथ भी काफ़ी बाउंड्रीज बना ली है। ये पार्टनर तंग आ चुके हैं चीज़ों से, और ये पार्टनर इस टाइम सोच रहे हैं कि जो आगे मेरी किस्मत में लिखा है वो ही मुझे मिलेगा, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं ये अपने आप को। चलिए टैरोट से देखते हैं आपके लिए क्या आता है, लेट्स फाइंड। मुझे लगता है एरीज हो सकते हैं ये पार्टनर, फायर साइन, या आपका साइन हो सकता है ये। चलिए हमारे पास तीन कार्ड्स आ गए, थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स। ओके, टू नाइन्स, नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस।
अब तक ये साइन आ गए हैं हमारे पास। एट ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली, जैसे कि मैंने कहा था कि ये पार्टनर काफी तंग आ चुके हैं अपनी लाइफ में और इन्होंने काफी बाउंड्रीज बना ली है, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं ये पार्टनर, क्योंकि ये पार्टनर परेशान हो चुके हैं। ये पार्टनर चाहते हैं अकेले में रहें, ऐसा है इस पार्टनर की थिंकिंग। चलिए एक कार्ड और लेते हैं फिर बताते हैं आपको। टू ऑफ सोर्ड्स, वर्ड ऑन द डेक वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके चलिए मैं अरेंज कर देती हूँ कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ। आई होप कि सारे ही कार्ड दिख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो साइन आए हैं वो आया है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस। ठीक है, ये दो साइन बहुत स्ट्रांग आए हैं और एरीज यहाँ पर है, और हो सकता है कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी हो। बहुत कम साइन, मतलब यहाँ पर बहुत कम एनर्जी आई है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की। ठीक है, तो ये साइन हो सकते हैं आपके या आपके पार्टनर के। ओके, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बात बता दूँ कि डेफिनेटली जैसे कि मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये पार्टनर बाउंड्रीज बना रहे हैं, नसीब पर छोड़ दिया है इस पार्टनर ने। देखिए यहाँ पर कोई ऐसा कोई थर्ड पार्टी है जो इनको काफ़ी परेशान कर रही है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये पार्टनर अब इरीटेट हो रहे हैं, जिनों से भी ये पार्टनर डील कर रहे हैं वो इनको परेशान कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनको काफ़ी कॉल मैसेजेस कर करके आपने भी इनको काफ़ी इरीटेट कर दिया है, और ये पार्टनर चाहते हैं कि अब ये अकेले में रहें। ठीक है, सिंगल हो जाएं, मतलब अकेले टाइम स्पेंड करें, अकेले रहें। ठीक है, और डेफिनेटली ये पार्टनर ने सब कुछ अपने नसीब पर छोड़ा हुआ है कि जो आएगा मेरी लाइफ में, जो गॉड ने लिखा है वो आ जाएगा। ठीक है, इस तरह की मैं थिंकिंग यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, और ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में आप हो सकते हैं। ये पार्टनर काफ़ी परेशान हो चुके हैं, काफ़ी स्टक जैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, इनकी परेशानियाँ डे बाय डे बढ़ रही है, तो इसीलिए ये अपने आप को डिसकनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं। इस पार्टनर को आज भी क्लैरिटी नहीं हुई है कि इसको क्या चूज़ करना है क्या नहीं। ठीक है, इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, डिसाइड नहीं कर पा रहे ये पार्टनर। आपके पास आऊँ या फिर मैं जो थर्ड पार्टी है उसकी बात मान लूँ। ठीक है, इस तरह की एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि इस पार्टनर ने आपके साथ बिल्कुल ब्रेकअप कर लिया है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं ये पार्टनर बिल्कुल भी, और इस पार्टनर को आज भी क्लैरिटी नहीं मिली कि मैं आपके पास आऊँ या मैं थर्ड पार्टी के पास जाऊँ। ठीक है, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, ये पार्टनर खुल के कुछ भी नहीं बताते, कुछ भी नहीं बताते, छुपाते हैं अपनी फीलिंग्स को, और काफ़ी डिले है, बहुत टाइम से आपको वेट पर रखा हुआ है, कुछ भी नहीं बता रहे आपको, कुछ भी नहीं बता रहे हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब बातों को छुपाना, ऐसी इस पार्टनर की आदत है। और फाइनली अब ये पार्टनर डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। जो भी इनकी विशेज़ है, जो भी इनकी खुशियाँ हैं, ये सोचते हैं कि मुझे मेरे डिवाइन टाइमिंग पर मिल जाएगी, ऐसी थिंकिंग है इस पार्टनर की। काफी स्टक जैसा फील कर रहे हैं और सरेंडर कर दिया इन्होंने गॉड पर, थर्ड पार्टी में और आप दोनों, मतलब दोनों के बीच में ना ये पार्टनर बहुत ज्यादा स्टक जैसा फील कर रहे हैं, ऐसे यहां पर एनर्जी में गेट कर पा रही हूं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके लिए इमोशंस नहीं है, आपके लिए प्यार नहीं है इनके दिल में, है इनके दिल में प्यार, लेकिन इस टाइम ये काफी बंधा हुआ, काफी ट्रैप जैसा फील कर रहे हैं, इस वजह से ये पार्टनर एक्शन नहीं ले पा रहे कुछ भी। ठीक है, और ये पार्टनर जा रहे हैं गो विद द फ्लो, ऐसा मैं यहां पर देख पा रही हूं। ये पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पार्टनर डेफिनेटली आपके किसी भी कॉल मैसेज का तो रिप्लाई नहीं कर रहे, आपको ब्लॉक भी किया हुआ हो सकता है इस पार्टनर ने, और बहुत ज्यादा तकलीफों में दुखों में घिरे हुए हैं ये पार्टनर, इंजॉय नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में। एंड डेफिनेटली लेकिन आपको भी मिस करते हैं, ऐसा नहीं है कि मिस नहीं करते। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ द क्वीन ऑफ कप्स एंड द नाइन ऑफ कप्स। डेफिनेटली यहाँ पर ये इस पार्टनर की विश तो है कि आपके पास आ जाए, लेकिन कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर विद द एड ऑफ सोर्स। यहाँ पर कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस है कि आपके पास ये पार्टनर आ नहीं रहे हैं और आपके किसी भी कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं।
ब्लॉकेजेस है यहाँ पर। ये पार्टनर चाहते हैं कि इनको कोई डिस्टर्ब ना करें, ये पार्टनर अकेले में रहें, टाइम थोड़ा अपने आप को दें और मैनिफेस्ट करें, ठीक है। तो इन्होंने आपसे भी और किसी और से भी बाउंड्रीज बना ली हैं, तंग आके परेशान हो चुके हैं ये पार्टनर, तो गलती तो इन्हों की ही है। अगर ये पार्टनर किसी और के साथ डील कर रहे हैं गाइस, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये पार्टनर खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ये कार्ड आया ना, टेन ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड मुझे यहाँ बता रहा है कि किसी और के साथ ये पार्टनर खुश नहीं है, ये पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ। और खुश ना होने का रीज़न देखिए यहाँ पर क्लियर निकल कर आ रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन खुश नहीं है, लेकिन ये अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको आपके पास आना है, आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई करना है या नहीं, ठीक है। तो आप इनको कोई कॉल मैसेज मत करो, ये पार्टनर ऑलरेडी काफ़ी इरिटेट हो रहे हैं, इनको टाइम दो, इनको टाइम की ज़रूरत है, इनको समझने की सोचने की ज़रूरत है। आपके लिए अभी भी फीलिंग्स हैं, लेकिन अगर आपने इनको बार बार कॉल मैसेज करा तो ये परेशान हो जाएंगे और फिर ये और ज़्यादा स्टक जैसा फील करेंगे और डिसीजन नहीं नहीं ले पाएंगे, ठीक है। सरेंडर कर दो आप भी गॉड पर, इस पार्टनर को इसके हाल पर छोड़ दो। अगर ये पार्टनर आपसे प्यार करते हैं डेफिनेटली आएंगे आपके पास, ठीक है। आप भी स्टक मत हो इनों के साथ, इनको आप अपने आप को फ्री कर दो इस पार्टनर से, ठीक है। अगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप इस पार्टनर को फ्री कर दो, आप मैनिफेस्ट करो। अगर आप किसी और से कभी भी कोई कनेक्शन नहीं बना पाओगे तो आप मैनिफेस्ट करो, लेकिन इस पार्टनर को आपको फ्री करना होगा, क्योंकि ये पार्टनर बहुत ज़्यादा ना, मतलब अभी इरिटेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बैलेंस में नहीं है ये पर्सन इस टाइम। तो इस पार्टनर को अपने लेसन खुद सीखने होंगे और तभी ये पार्टनर आपके पास आएंगे, क्योंकि फीलिंग्स अभी भी आपके लिए है इस पार्टनर के मन में, लेकिन ये पार्टनर अपनी प्रॉब्लम्स के बीच में घिरे हुए हैं, इसीलिए ये पार्टनर ऐसी एनर्जी में है। चलिए यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या आता है, लेट्स फाइंड। एंजाइटी हो रही है देखिए इस पार्टनर को, बिल्कुल विद द टेन ऑफ सोर्ड्स, विद द एट ऑफ सोर्ड्स, और देखिए यहाँ से भी एंजाइटी का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं ये पार्टनर, इसीलिए ये पार्टनर बाउंड्रीज बना रहे हैं अपने अराउंड, ताकि कोई भी इनको अब डिस्टर्ब ना करें और ये किसी की भी बातों से डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए ये पार्टनर बाउंड्रीज बना रहे हैं और नसीब पर छोड़ा है। हो सकता है जो भी जिनों के भी साथ ये पार्टनर डील कर रहे हैं वो इनको बोल रहे हैं कि तुम मुझे छोड़ रहे हो, तुम्हें कर्मा फेस करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे हो जाएगा, तुम्हारे साथ वैसे हो जाएगा। ये पार्टनर बहुत परेशान हो चुके हैं ये बातें सुन सुनकर भी, डेफिनेटली कोई इस पोजीशन में आया है तो अपनी गलतियों की वजह से ही आया है। चलिए और देखते हैं, काफ़ी एंजाइटी हो रही है इस पार्टनर को, और देखते हैं यहाँ से क्या आता है। इसको अपने के पर भी पछतावा है, ऐसा नहीं है, नहीं है, लेट्स फाइंड मोर। फर्स्ट चाक्रा आर्कएंजल माइकल, तो ये अपना फर्स्ट चाक्रा बेस चाक्रा ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, एंजल माइकल इन वे। और देखते हैं गाइस, और देखते हैं गाइज आपके लिए कार्ड्स। ओके, वी हैव वन मोर कार्ड, गॉडेस ऑफ द मून एंड वी हैव फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। ओके, तो हो सकता है अभी वर्क में भी कुछ ठीक नहीं है इस पार्टनर के, काफी अप्स एंड डाउन फेस कर रहे हैं, और डेफिनेटली इस पार्टनर के अंदर थोड़ी जेलसी भी है, जेलसी भी फील करते हैं ये पार्टनर दूसरों को देख कर के, दूसरे कितने सही हैं और मैं मेरे साथ क्या 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 हो रहा है। काफ़ी एंजाइटी फील कर रहे हैं ये पार्टनर, खुद को मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। और डेफिनेटली आपको देखिए जो भी कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकती आपको कि मैं खुश कर दूँ आपको कुछ भी बोलकर, आप कार्ड्स को देखिए आपको खुद ही समझ में आ रहा है। यहाँ पर आया देखिए गॉडेस ऑफ द मून, इसका मतलब होता है, इस कार्ड का मतलब होता है आपको खुद को भी शांत करना होगा, रिलैक्स करना होगा और फ्री करना होगा अपने आप को भी और इस पार्टनर को भी, ठीक है। यहाँ पर ये जो कार्ड आया है ना, ये होता है
आपका नसीब, आपका भाग, आपके लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में जो भी चीज़ें लिखी होंगी वो डिवाइन टाइमिंग पर आपके पास आ जाएगी। ज़्यादा रश करोगे, ज़्यादा पागलपन अपने अंदर ले आओगे, तो डेफिनेटली चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक है, आपको पेशेंस रखना होगा, आपको बिल्कुल सरेंडर करना होगा, डिवाइन टाइमिंग का वेट करना होगा और इस पार्टनर को फ्री करना होगा। इसको ज़्यादा कॉल मैसेज करके, इसके बारे में बार बार सोच कर परेशान मत हो। ठीक है, खुश हो जाओ। हो सकता है क्योंकि आप भी ऐसा सोचते हैं कि दूसरों की शादियां हो रही है, दूसरे कमिट कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में वो टाइम नहीं आया। इसका मतलब है आप भी अभी पूरे तरीके से हील नहीं हुए हो, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, फिर आप हील नहीं हुए हो। जिसके टाइम पर जो चीज़ें होनी है वो टाइम पर ही होगी, जल्दी आपके कहने कहने से नहीं होगा और देरी भी आपके कहने से नहीं होगी। जब डिवाइन टाइमिंग होगी, गॉड टाइमिंग होगी, तभी आपकी लाइफ में सब कुछ होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको अपने आप को फ्री करना है और आपको भी मैनिफेस्ट करना है, और ये पार्टनर भी बाउंड्रीज बना रहे हैं ताकि इनको खुद के लिए टाइम मिले और ये सोचे समझें और तब एक डिसीजन ले। ठीक है, लेकिन यस, आपके लिए फीलिंग्स हैं तभी तो ये पार्टनर परेशान हो रहे हैं, स्टक है ये पार्टनर अभी। तो आप इनको टाइम दें, इनको थोड़ा स्पेस दें और अपने ऊपर ध्यान दें, अपने ऊपर। ठीक है, आप भी परेशान मत हो। चलिए, कुछ मैसेजेस आ गए, आप देख लेते हैं। यू ऑलवेज गिव मी आर शोल्डर टू क्राई ऑन। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक अच्छी फ्रेंडशिप भी रही होगी। ठीक है, और इस पार्टनर को रियलाइज होगा अब अच्छे से, लेकिन आपको उनको स्पेस देना होगा। यू आर माई होम, आपको अपना घर कह रहे हैं, एंड यू एंड मी डील विद एवरी सिचुएशन वेल। तो ये कह रहे हैं आप और मैं दोनों मिलकर हम किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं। तो समझने की कोशिश करो, स्पेस दो इस पार्टनर को। ठीक है, यू रिस्पेक्ट एवरीथिंग आई लाइक। तो जो भी इनको पसंद है आप उनके रिस्पेक्ट करते हो, एंड यू मेक मी अ बेटर पर्सन। आपने इनको एक बेटर पर्सन बनाया है। यू लव मी फॉर वॉट आई एम। आप इनसे प्यार करते हैं, जो भी हैं ये सारी बातें इनको पता है। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस और प्रिंस। डेफिनेटली ये पार्टनर को पता है कि आप इनके लिए एक बहुत अच्छे और एक बहुत प्योर पर्सन हैं, लेकिन चैलेंजेस हैं यहाँ पर, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए कुछ चार्म रीडिंग्स देख लेते हैं आपके लिए। मैंने कहा था कि मैं ये रीडिंग भी करूँगी, जल्दी से देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। चलिए देखिए, सबसे पहले ये वाला सिंबल है यहाँ पर, इसका मतलब है इस पार्टनर के चेहरे पे अभी मास्क है, ये उतरना बाकी है। सच्चाई आपके सामने आनी है और इस पार्टनर के भी सामने आनी है। ठीक है, आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा। हमारे पास आया है टॉरस, तो टॉरस हो सकते हैं आप। सन मून विनस राइजिंग, ये कैमरा आया है तो हो सकता है फोटोग्राफी का शौक है इस पार्टनर को या आपको, या फिर ये पार्टनर आपके पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं या फिर आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये फीतर आया तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रहना होगा, स्पिरिट पर, डिवाइन पर ट्रस्ट करना होगा। ठीक है, उन पर फेथ करना होगा, अपनी किस्मत पर। ये सिंबल आया तो डेफिनेटली हो सकता है अभी ये पार्टनर अबंडेंट है, लेकिन अभी इनके फाइनेंस में काफ़ी अप्स एंड डाउन ये पार्टनर फेस कर रहे हैं। यहाँ पर आया है लव, सॉरी, यहाँ पर आया ड्रीम, तो हो सकता है ये पार्टनर आपके ड्रीम में आ रहे हैं या फिर आप इन पार्टनर के ड्रीम में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये प्लेन आया तो हो सकता है एयरलाइन में आप काम करते हैं या फिर ये पार्टनर कहीं फॉरेन में है, लॉन्ग डिस्टेंस है आपके बीच में। हमारे पास आया है हार्ट ऑफ द एंजल, तो डेफिनेटली बिलीव करिए अपने कनेक्शन पर, खुद पर, भगवान पर। यहाँ पर आया है ये ब्रोकन हार्ट, डेफिनेटली आप दोनों का दिल टूटा हुआ है इस टाइम। वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा आया तो हो सकता है यूट्यूब चैनल हो, ये कुछ ना कुछ शूट करते होंगे या फिर इनको इनका स्टूडियो वगैरह होगा जहाँ पर ये वीडियोग्राफी का काम करते हैं। ये बर्ड आया तो हो सकता है ये पार्टनर चाहते हैं आपको मैसेज वगैरह करना, लेकिन ये करेंगे नहीं क्योंकि इन्होंने बाउंड्रीज क्रिएट करी हुई है अभी। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल पर नए हैं, रीडिंग अच्छी लगी है सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अभी के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर।